किसान से जो भी टकराया हमेशा उसकी हार हुई है। इसलिए मोदी जी कौन सी बड़ी तोप है, हार तो इनकी भी होगी। हम तो कब से कह रहे हैं कि हमारी बात मान जाओ, अंत में आके तुम्हारी हार होगी, पर नहीं मानते। जब थे अपनी हवा में रह मत रहो, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। अच्छी बात है उन्होंने माफी मांगी, वो पुराने वाले मोदी जी बन गए, पर अब वो मोदी जी मुझे लगता है कि वापस आ गए हैं। तो आप जल्द से जल्द MSP गारंटी दे दीजिए और जो किसान शहीद हुए उनके लिए मुआवजा और नौकरी दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं शालिनी जौहर, आप देख रहे हैं PRB। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंगद सिंह मौजूद हैं। इनको आपने कई बार देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं। आज 26 नवंबर है और किसान आंदोलन को जो है 1 साल पूरा हो चुका है। इसी को समर्थन देने के लिए आज हमारे साथ अंगद मौजूद है। अंगद, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापसी की बात की है, क्या लग रहा है कि अब पूरी तरह से आप उनकी बात से सहमत हैं या अभी भी आपको उनकी बात झूठ नजर रखती है? सबसे पहले तो जो हमारे 1 साल पूरे हुए किसान आंदोलन के लिए, उसके लिए मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, आपको इतना वक्त नहीं लगाना चाहिए था कानून वापस करने में। और जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, उनको नमन करना चाहूँगा। अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, जो इन्होंने जो फैसला लिया है काले कानून वापस लेने का, पर अभी हमारी MSP गारंटी बाकी है। MSP गारंटी दे दीजिए। थैंक यू आपका, आपने जो ये कानून वापस लिए, आपका थैंक्स करते हैं, पर इसको थोड़ी जल्दी करते हैं जिससे कि जो 700 किसान शहीद हुए हैं ये नहीं होते। फिर भी कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्ता है। थैंक यू मोदी जी। लेकिन उन्होंने तो क्षमा मांगी है किसानों से, कह रहे हैं कि हम किसानों की बात नहीं समझ पाए, हम किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए, इसलिए नेशनल टेलीविजन पर जो है दोनों हाथ को जोड़कर प्रधानमंत्री ने खुद माफ़ी मांगी। अच्छी बात है उन्होंने माफ़ी मांगी, वो पुराने वाले मोदी जी बन गए। कौन से पुराने वाले? जो अच्छे काम करते थे, जो हमेशा जनता की आवाज़ सुनते थे, वो वाले मोदी जी बन गए। तो आप क्या लगता है, आपको जनता की आवाज़ नहीं सुनते हैं PM मोदी? देखिए, जनता की आवाज़ इन्होंने सुनना अभी बंद कर दी थी। अभी यहाँ पे किसान 1 साल से यहाँ पे बढ़ा हुआ है, इसकी बात मानो। 700 किसान शहीद हुए उनके ऊपर मौन रख दो संसद में, इतना तो कर सकते हैं आप। पर अब वो मोदी जी मुझे लगता है कि वापस आ गए हैं। तो आप जल्द से जल्द MSP गारंटी दे दीजिए और जो किसान शहीद हुए उनके लिए मुआवजा और नौकरी दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब जो है संसद का सत्र शुरू होगा, उसमें ये बिल वापसी की जाएगी। अभी कहीं ना कहीं जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, तो आपको क्या लग रहा है कि पूरी तरह से बिल वापसी होगी या नहीं? बिल वापसी तो होगी। आज तक का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसान से जो भी टकराया हमेशा उसकी हार हुई है। इसलिए मोदी जी कौन सी बड़ी तोप है, हार तो इनकी भी होगी, इसलिए हार हो गई। अब जब संसद सत्र शुरू होगा उसमें MSP गारंटी और जो किसान शहीद हुए उनके लिए मुआवजा, नौकरी और उनके लिए मौन, बस इतना कर दीजिए, किसान अपने घर चला जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर हम कृषि कानून वापसी ले लेंगे, लेकिन हम गुजारिश करते हैं उन किसानों से जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो घर वापसी हो जाए। देखिए, हमारी दो मांगे थी जिसमें से एक पूरी हुई है, दूसरी हमारी MSP गारंटी की मांग अभी बाकी है। जब तक हमें MSP गारंटी मिलेगी तब तक हम नहीं जाएंगे। MSP गारंटी और जो किसान शहीद हुए उनके लिए मुआवजा और नौकरी। लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता कि अभी जो कृषि कानून की वापसी है उसके बाद आपके 6 जो मांगे हैं उनकी भी वो भी पूरी की जाएगी, किसान वो भी सुनेंगे प्रधानमंत्री मोदी आपकी बात? देखिए, फिलहाल तो अभी किसान आंदोलन की 2 मांगे थी जिसमें से एक पूरी हो गई है, बस हमारी ये 2 मांगे पूरी करो, हम जा रहे हैं, हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं लोग कि मास्टर स्ट्रोक जो है PM मोदी ने खेल दिया है और चुनाव में इसका बड़ा असर दिखने वाला है। देखिए, जब इनकी जमानत जब्त करवाई, जब मैं गया, इलाहाबाद गया, वल्लभ नगर गया, धारियाबाद गया, बंगाल गया, सुजानगढ़ गया, सहाड़ा गया, जब जहाँ जहाँ पे उपचुनाव थे मैं सब जगहों पे गया, वहाँ पे इनकी हार हुई। जब जमानत जब्त हुई तब इनको समझ आ गई कि किसान से मत अटको। लेकिन वो तो अब तक ये कह रहे थे कि मुट्ठी भर किसान हमारा क्या उखाड़ लेंगे, अब इनको पता लग गया ना मुट्ठी भर है कि कितने हैं। अब पता चल गया, अब जवाब दे दिया है किसानों ने। बिल्कुल, हम तो कब से कह रहे हैं कि हमारी बात मान जाओ, अंत में आके तुम्हारी हार होगी, पर नहीं मानते। जब थे अपनी हवा में
हवा में रह मत रहो, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे इसलिए ये कृषि कानून जो है ले आए थे? बिल्कुल, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ये सोच रहे थे कि बस अगर मैं दे रहा हूँ तो सही दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ, इसमें ये ओके इन्होंने कर दिया लागू। लेकिन लोग जो है वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो है बड़ा दिल दिखाया है इसलिए किसानों की बात सुनी और कृषि कानून की वापसी करी। देखिए जब इनकी जमानतें जब्त हुई है ना, इससे इनका फिर बड़ा दिल भी बाहर आ गया, सब कुछ बाहर आ गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कृषि वापसी पे, आप प्रधानमंत्री को क्या बोलना चाहेंगे? आज एक साल भी पूरा हो गया, उनको थैंक यू करना चाहूंगा और जल्द से जल्द MSP गारंटी दे दीजिए और जो किसान शहीद हुए उनके ऊपर मुआवजा, नौकरी और श्रद्धांजलि। अंगद आपको क्या लगता है अभी जो आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अब कृषि कानून की वापसी हुई है, क्या लग रहा है किसान जाना चाहेंगे या BJP के साथ कि नहीं? जल्द से जल्द ये हमारी जो अभी 2 मांगे बाकी हैं ये पूरी कर देंगे तो हम इनके साथ हैं, इनको माफ कर देंगे, इनको फिर लाएंगे जिससे ये अच्छी अच्छी चीजें करें देश में, पर एक शर्त पे लाएंगे कि जब भी आप गलती करोगे तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो एक गलती की तो माफी मांगी तो, पर आपने तो उन्हें माफी नहीं किया। एक साल हो गए, एक साल तक इतने किसान शहीद हो गए, अब इनको जाके कब माफी मांग रहे हैं? माफी मांगनी थी तब जब किसान यहाँ पे ही आ गया था, जब पंजाब में ही चल रहा था आंदोलन तभी माफी मांगते, तभी ये कानून वापस कर देते। और आपने अभी कहा देर आए दुरुस्त आए, तो उनकी भी गलती का उन्हें एहसास हुआ, अब माफ कर दीजिए प्रधानमंत्री को। ठीक है माफ कर दिया, पर जल्द से जल्द हमारी 2 मांगे पूरी करें तब माफ होंगे। तो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अभी 50% ही माफ हुए हैं, 50% अभी बाकी, मतलब अपनी आप 100% वापस माफी तब देंगे जब पूरी तरह से ये कृषि कानून की जो मांग है वो पूरी की जाएगी और कृषि कानून पूरी तरह से हट जाएगा और MSP गारंटी और जो किसान शहीद हुए उनके ऊपर मुआवजा और नौकरी और उनके लिए श्रद्धांजलि, धन्यवाद। लेकिन उनके नेता ये कहते हैं कि, बस एक आखिरी सवाल, नेता उनके ये कहते हैं कि जितना किसान के लिए प्रधानमंत्री मोदी सोचते हैं उतना कोई नहीं सोचता, आप क्या कहेंगे इस पर? फिर से प्रश्न दोहराइए। कहते हैं कि जितना कृषि जितना किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी सोचते हैं उतना कोई नेता नहीं सोचता किसानों के लिए। मुझे बिल्कुल ऐसा है, पर गलती हो गई, वो इंसान है क्योंकि, पर गलती के लिए उन्हें जल्द माफ़ी मांग लेते हैं अगर वो ज़्यादा सोचते हैं तो, जल्द माफ़ी मांग। तो जीतेगी कि नहीं 5 राज्य में BJP, बस ये बता दीजिए। जनता बताएगी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ नन्हे अंगद सिंह, जो अपनी बातों से जो है अपनी राय रखते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से किसानों के ऊपर, जो किसान किसानों को लेकर अपनी सक्रियता इन्होंने बरकरार रखी है, कई समर्थन देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को जो है इन्होंने बोला है अभी तो 50% माफ़ किया है, जिस दिन ये कृषि कानून की मांग जो है पूरी हो जाएगी और पूरी तरह से जो मांगे इनकी पूरी होगी तभी 100% तरीके से ये प्रधानमंत्री मोदी को जो है माफ़ करेंगे। नन्हे अंगद ने कई तरीके से जो है अपनी राय रखी है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर BJP जीतेगी तो इसका जवाब जनता देगी और जनता ही इसका जवाब देगी। अंगद कई मुद्दों पर अपनी राय भी रखी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें PRB, धन्यवाद।